है एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो अभी जो टाइम हो रहा है शाम के 4:30 हो रहे हैं और मैं आई हुई हूँ अपने ताऊ जी के घर पे। तो ये उन्हीं का ही घर है, अभी न्यू न्यू बना है और हम लोग आए हैं। वो यहाँ पे है नहीं, भाभी गई हुई है मार्केट। एक्चुअली हमने उनको बताया नहीं था कि हम लोग आने वाले हैं और हम अचानक से आ गए हैं, लेकिन वो यहाँ पे अभी है नहीं, मार्केट गए हैं किसी काम से। तो अभी ये घर पूरा बना नहीं है, अभी कुछ काम इसमें बाकी हैं और दोनों बच्चे साथ में आए हैं, भाभी भाभी और तीनों। और ये लाई हूँ मैं चॉकलेट अपनी भतीजी के लिए। तो उनकी एक प्यारी सी क्यूट सी बेटी है ईशु, उसके लिए चॉकलेट लेके आई हूँ क्योंकि उसको चॉकलेट बहुत पसंद है। और आज मौसम भी बहुत अच्छा है और हवा बहुत अच्छी चल रही है। और अभी आपको यहाँ का मैं नज़ारा दिखाती हूँ। आसपास हर जगह यहाँ पे गाय ही गाय बंधी हुई है, क्योंकि जो मेरे ताऊ हैं वो डेयरी का काम करते थे, तो उनके बेटे भी डेयरी का ही काम करते हैं, तो उनके पास ज़्यादा गाय नहीं है, 2-4 ही है। और यहाँ पे आसपास डेयरी का ही काम होता है, क्योंकि यहाँ पे पहले हमारा खेत होता था और अब तो खेत देखने को भी नहीं है। तो बस आसपास सभी ने यहाँ पे, बाहर के लोग आ गए हैं यहाँ पे, गांव के बहुत ही कम हैं। ये देखिए हर जगह घर ही घर बने हुए हैं। तो भी बैक कैमरा मैं आप सबको दिखाती हूँ, नज़ारा बहुत अच्छा है। ये देखिए कितना अच्छा घर यहाँ पे बना हुआ है। तो भी आपको मैं बैक कैमरा दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए पपीते के पेड़ हैं और हरियाली बहुत है यहाँ पे। और ये देखिए नज़ारा देखने में कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे किसी की ये डेयरी है और यहाँ पे ये जोड़ जैसा कुछ बनाया हुआ है, क्योंकि मैं यहाँ पे आई तो कई बार हूँ लेकिन ऊपर मैं कभी नहीं आई थी। तो आज भाभी नहीं है तो मैं यहाँ पे, मैंने सोचा चलो आपको ऊपर का भी नज़ारा मैं दिखा देती हूँ। और यहाँ ये टंकियाँ रखी हुई है, यहाँ पे बच्चे खेलने में भी लगे हुए हैं। पैर दुख भी लग रही है, बस अभी आने वाली भी लग रही है। केले का पेड़ भी है। मम्मी उठाई हो भी। अभी भी छोटी पड़ेगी। हाँ
ईशु, ईशु कौन सा गाना पसंद है? हाँ ईशु, इसको बंद करो, गाने को बंद करो, मुझे गाना अच्छा नहीं लगता। ईशु इसको बंद करो, पहले इसको बंद करो, इधर देखो, इधर देखो, ऐसे बालों को करो, ऐसे ऐसे ऐसे, ये हमारी ईशु। ईशु आई कर दे, और ईशु हमारी डॉक्टर है ना, ईशु है ना। दीदी को आपने चेक नहीं किया? इसको लगा के करो, इसको लगा के, ये लो ये लो ये लो, ऐसे लगाते हैं, मुझे नहीं आता ये लगाना, ऐसे लगाते हैं और फिर कैसे चेक करते हैं, चेक करके बता। बेबी को दर्द है ना? कितने सारे टोल हैं ईशु के पास, एक ये है और ये क्या किया तूने ईशु, ईशु ये क्या किया, इसकी शक्ल को तूने क्या कर दिया है, पट्टी लगा दी, क्या कर दी, पट्टी लगा दी तूने इसको, लिपस्टिक लगा दी, हो मम्मी की लिपस्टिक खराब कर दी ना, है ना। तो मिल लीजिए आप भी मेरी भाभी से, तो ये है दूसरे नंबर की, और वैसे मैंने आप सबको तीनों भाभियों से मिला भी रखा है अपने पहले के ब्लॉग में। तो बस यहाँ पर बच्चों के स्कूल की बातें चल रही हैं, क्योंकि ईशु अब बड़ी हो गई है, तो उसके एडमिशन के बारे में हम बातें कर रहे थे। ईशु डरती नहीं है, ईशु करियो, नहीं इसको नहीं, गंदी बात, प्यार से कर ईशु, प्यार से, ताऊ जी के घर से आने के बाद फटाफट से मैंने खाना बनाया है, क्योंकि मुझे आज लड्डू भी बनाने थे। मम्मी की कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, तो ये लड्डू बहुत फ़ायदा करते हैं कमर दर्द में। तो बस यहाँ पे लिए हैं मैंने 2 किलो चने भुने हुए, एक लिया है मैंने गोला, और ये है कमरकस, ये बहुत ज़रूरी है, यही फ़ायदा करता है कमर दर्द में। यहाँ पे लिए हैं मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स, और मैंने ये पहले ही पीस के रखे हुए थे, क्योंकि पापा लेते हैं दूध के साथ, तो बस यही काम आ गए। और यहाँ पे मैं भून रही हूँ आटा, 1 कटोरी आटा लिया है मैंने, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि जो कमरकस है बहुत कड़वा होता है, 50 ग्राम मैंने कमरकस लिया है, फिर भी ये बहुत कड़वा होता है। तो फिर मम्मी ने बोला इसमें एक कटोरी आटा भी डाल दें, पता नहीं कैसी लगेगी, क्योंकि मम्मी के लिए मैं पहली बार ही बना रही हूँ। तो बस यहाँ पे जो भुने हुए चने हैं उनको मैंने पीस लिया है मिक्सी में, और ज़्यादा मी नहीं पीसना है, थोड़ा सा दरदरा होना चाहिए तभी ये अच्छे लगते हैं, और ये लड्डू खाए जाते हैं सुबह के टाइम दूध के साथ, और बहुत फ़ायदा करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ अच्छे से पीस लिया है, और अभी मैं भूनने वाली हूँ यहाँ पे कमरकस घी में, उनको पहले घी में भूनना है और फिर मिक्सी में पीस के इसमें डालना है, क्योंकि थोड़ा सा वो दरदरा सा होता है तो उसको मिक्सी में पीसना भी होता है। तो यहाँ पे मैंने सारा सब कुछ तैयार कर लिया है, और ये देखिए इसका कलर कुछ ऐसे हो जाता है, और इसको धीमे गैस पे ही भूनना है। यहाँ पे मैंने जितने भी ड्राई फ्रूट्स जो पीसे थे उनको भी मैं भून लूँगी, और इनको मैं भूनना भूल गई थी, बाद में मुझे याद आया। तो बस अभी मैं इनको अच्छे से मिक्सी में पीस लूँगी, और मम्मी आ गई है यहाँ पे मेरे साथ हेल्प करने के लिए, रेनू भी खड़ी है साथ में, क्योंकि आज पहली बार इनके लिए मैं ये लड्डू बना रही हूँ, तो इनको देखना था कैसे कैसे बना रही है। तो यहाँ पे मैंने घी डाल लिया है, घी इनके लिए थोड़ा ही डालना है, क्योंकि मम्मी को घी ज़्यादा पसंद नहीं है लड्डू में। तो बस इसमें मैंने सब कुछ डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया है, और ये है रात के 10 बजे का टाइम, बुआ आई थी कार्ड देने के लिए, बुआ के बेटे की है शादी, तो उनके लिए मैंने यहाँ पे दूध गर्म किया है, खाना वो मना कर रही थी खाने के लिए, तो बस यहाँ पे मैंने दूध कर दिया है। और
बस यहाँ पे सब बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं। आई होप आप सबको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ब्लॉग पसंद आए तो। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।